सो फाइनली दोस्तों स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें और आप देख रहे तेरी मेरी बातें। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूंगा बड़े खुला से। टाइगर 3 का दोस्तों एक BTS फुटेज काफी ज्यादा लीक हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर कटरीना कैफ और सलमान खान दोस्तों एक सॉन्ग को शूट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसमें देख सकते हो कि दोस्तों कटरीना कैफ ने येलो कलर की गाउन पहनी हुई है और बेहद ही खूबसूरत लग रही है। साथ ही साथ दोस्तों सलमान खान का जो गेटअप है, जो लुक है दोस्तों, टाइगर वाला लुक नजर आ रहा है। दोस्तों ये सोशल मीडिया पे ये सॉन्ग जो है बहुत जल्दी आने वाला है। 15 सेकंड का ये जो लीक्ड फुटेज है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सॉरी मैं आपको इसको यहां दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि टाइगर के 2 पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट एक था टाइगर और दूसरा टाइगर जिंदा है। अब टाइगर का 3रा पार्ट आ रहा है। टाइगर फ्रेंचाइजी की दोस्तों बात करूं तो यशराज फिल्म के बैनर तले ये फ्रेंचाइजी आगे चल रही है और इस बार टाइगर 3 दोस्तों कमाल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका बजट जो बताया जा रहा है कि 200-250 करोड़ के बजट की ये फिल्म है और कहा जा रहा है दोस्तों कि पहले दिन की ओपनिंग 60 करोड़ तो होनी है। और इसके अंदर दोस्तों शाहरुख खान का कैमियो फिर से रिपीट होगा, जो पठान में हम सब ने देखा था कैसे फाइट सीन था और सलमान खान और शाहरुख खान कैसे गुंडों से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों ये जो सीन था ये एपिक शॉट था और इसी एपिक सीन की वजह से पठान में 4 चांद लग गए थे। फिर से ये सीन वापिस रिपीट होगा दोस्तों। अगर आप शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये सीन फिर से रिपीट होने वाला है और दोस्तों इस बार पर्दे पे आग लग जाएगी जब टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो एक नए अंदाज में होगा। 12 से 15 मिनट का ये सीन होगा और दोस्तों आपको बता दूं पर्दे के पीछे का सच, क्योंकि इस सीन को शूट करने के लिए लगभग 45 दिन लगे थे। जी हाँ दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है, और जबकि अक्षय कुमार तो 45 दिन में फिल्म बना देते हैं भैया, लेकिन यहां 15-12 मिनट के सीन के लिए 45 दिन लिए गए सलमान खान शाहरुख खान के द्वारा। वहीं दूसरी ओर बताओ दोस्तों कि टाइगर 3 जो आएगी इस बार टोटल कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपको नजर आएंगे दोस्तों विशाल जेठवा, जो मर्दानी फिल्म के अंदर इन्होंने विलन का किरदार निभाया था। साथ ही साथ दोस्तों इमरान हाशमी का भी इसमें अच्छा खासा रोल है। बाकी शाहरुख खान है ही और आपको बता दूं कटरीना कैफ भी बेहद एक अंदाज में है। इसमें दोस्तों आपको पता है कि ये एक पाकिस्तानी एजेंट जोया और हिंदुस्तानी रॉ एजेंट अविनाश की प्रेम कहानी है। उसके बाद अब ये नए मिशन पे निकल चुके होते हैं। इस बार का कौन सा मिशन है, भारत को कौन से सामाजिक तत्व के लोग पंगा खड़ा कर रहे हैं, तो दोस्तों सलमान और कटरीना फिर से तैयार। आपको बता दूं कि टाइगर का जो पहला पार्ट आया था इसने वर्ल्ड वाइड 339 करोड़ का कारोबार किया था। दूसरे पार्ट ने दोस्तों 434.82 का कारोबार किया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इस बार तो दोस्तों 1000 करोड़ के पार जाएगा। आपके क्या विचार है दोस्तों, क्या टाइगर 3 रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि ये 10 नवंबर को आ रही है। 10 नवंबर यानी कि एक्सटेंडेड वीकेंड, फ्राइडे तो है ही दोस्तों, छुट्टियों का माहौल है, दिवाली का सीजन है। मजे की बात यह है दोस्तों किसी का भाई किसी के जान का अभी बुक माई शो पे जो पब्लिक इंटरेस्ट शो है ना वो 22.5K का शो है, यानी कि 22,500 का। वही दूसरी ओर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, टाइगर 3 का जो बुक माई शो हो रहा है 26,000 दोस्तों। टाइगर 3 को आने में पता नहीं भी 4-5-6 महीने पड़े हैं, लेकिन दोस्तों अप्रैल में ईद के दौरान 21 तारीख को भाईजान आ रही है। दोस्तों सोचने वाली बात है ना कि भाईजान का इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं रहा है दोस्तों। इसका मतलब गाने तो अच्छे खासे हाई पे बटोर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है इस फिल्म को देखने के लिए। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये फिल्म थिएटर में कुछ बवाल नहीं मचा पाएगी। फिल्म चाहे अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन इंटरेस्ट तो बहुत ही कम आ रहा है। लेकिन अभी टाइम है, लेट्स सी, क्या पता इंटरेस्ट एक हफ्ते पहले बढ़ जाए एडवांस बुकिंग के दौरान, क्योंकि भोला का दोस्तों इंटरेस्ट रेट तो इस टाइम पे आप बता दूं 50,000 पहुंचने वाला है, जो कि अपने आप में गजब वाली बात है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक वाकई में किसी का भाई किसी की जान को देखना चाहती है? दे आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म और दे वॉन्टेड टू सी द टाइगर 3 फिल्म। व्हाट इज योर ओपिनियन गाइज, प्लीज कमेंट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई रवि चौधरी प्यार देते रहिए यार, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।